मैं मौलाना गुलाम अहमद रब्बानी साहब अल्लाह से बारहा जब भी कहीं जाता हूँ, वो जब भी मेहमान नवाजी का मसला आएगा, खाने पीने का मसला आएगा, तो मैं कस्बे छोड़ी का जिक्र जरूर करता हूँ। सही बता रहे हैं। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मैं जिक्र जरूर करता हूँ कि यार वहाँ के हालात इतने जियाले हैं कि मेहमानों की कद्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसका सिला अता फरमाए। चलो शेर पढ़ता हूँ, सलाम करें आप। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा। है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। यही बोल सिदरा वाले, यही बोल सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। यही बोल सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। सभी महीन छान डाले, फिर पाए का न पाया। तुझे एक न एक बना, तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तुझे एक न एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। सुभान अल्लाह। आप सुनिए हुजूर, सही साहब बुला के क्या शायरी करी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप के दीवान को लेकर शायरी करी। जी जी, फरमाते हैं कि क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकीने जिब्रील यमीने। क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकीने जिब्रील यमीने। क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकीने जिब्रील यमीने। अरे देखा ना, अरे देखा ना कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। देखा ना अल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। दुनिया में उन चार के जैसा, सरकार के जैसा। है यार कहा दुनिया में उन चार के जैसा,
सरकार के जैसा है यार कहा दुनिया में उन चार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा सरकार के जैसा देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा सरकार के जैसा। अरे वो मौला अली शेर खुदा पाता है खैबर दामाद पैगंबर। अरे वो मौला अली शेर खुदा पाता है खैबर दामाद पैगंबर। वो मौला अली शेर खुदा पाता है खैबर लाए तो कोई हैदर कर्रार के जैसा सरकार के जैसा लाए तो कोई हैदर कर्रार के जैसा सरकार के जैसा है कौन है कौन भला। मकबूलियत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना बड़ा मजमा है पता नहीं किसकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और हम लोगों की निजात हो जाए। हमारा अकीदा है सुनिए शेर कहते सुभानअल्लाह है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा। अब ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है दिलाल अपनी जगह है। ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है दिलाल अपनी जगह है। ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है दिलाल अपनी जगह है। आया ना कोई उनके खरीदार के जैसा सरकार के जैसा आया न कोई उनके खरीदार के जैसा। तकबीर नारे रिसालत जश्ने मिलादुन नबी अजमत मुस्तफा फैजान हुजूर गुलजार मिल्लत कलाम हुजूर गुलजार मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान तेरी बहारों में नहीं है हजारों में नहीं है। ऐ बाग इरम तेरी बहारों में नहीं है हजारों में नहीं है। ऐ बाग इरम तेरी बहारों में नहीं है हजारों में नहीं है। तैबा के हसी उन गुल गुल गुलजार के जैसा सरकार के जैसा तैबा के हसी उन गुल गुलजार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा। और पलता है सदा आपके टुकड़ों पे जमाना खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे बेश है पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना। शेर सुने कि पलता है सदा आपके टुकड़ों पे जमाना हसनैन के नाना पलता है सदा आपके टुकड़ों पे जमाना नाना पलता है सदा आपके टुकड़ों पे जमाना गुलजार के नाना पलता
दरबार कहा आपके दरबार के जैसा सरकार के जैसा दरबार कहा आपके दरबार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला के जैसा सरकार के जैसा दरबार कहा आपके दरबार के जैसा सरकार के जैसा ऐसा ही लोग दामान नियाजी जरा भर लो और झोलियां भर लो सबसे अखीर में आप आपने चुना है हमको तो कुछ दिन बर्दाश्त करें आप अभी तो मैं नाथ पढ़ूंगा ना बस दो शेर में बचा हुआ है इसमें फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा मुश्किल से आधा घंटा आप सुनेंगे बस मैंने सोचा था कि आज कस्बाई चौली में गालिबन दो घंटा बयान होगा मैंने ये सोच के आया था कि आज बोलेंगे मगर चूंकि वक्त ने साथ नहीं दिया घड़ी का वक्त जानते हैं कि रुकता है नहीं हम और आप लोग जाते मगर वक्त नहीं रुकता तो शेर सुने भाई कहते सुभान अल्लाह दरबार कहा आपके दरबार के जैसा सरकार के जैसा ऐसा इल्तमान नियाजी जरा भर लो और झोलिया भर लो ऐसा इल्तमान नियाजी जरा भर लो और झोलिया भर लो झड़ता झड़ता है यहाँ फूल चमन सार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा ने क्या कहा सुने आप गुलजार कोई और हसी हो तो बताओ कहीं हो तो दिखाओ अरे गुलजार कोई और हसी हो तो बताओ कहीं हो तो दिखाओ कौन कौन इनमें उस पे कर अनवार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा सरकार के जैसा दरबार कहा आपके दरबार के जैसा सरकार के जैसा जाके तो मजा जाए जाके दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए अरे जाके दीवार अरे जाके दीवार गिरा दे तो मजा तो मजा नारे तकबीर
के साथ जश्न मिलादुन नबी उलमाए अहले सन्नत हजरत अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा साहब कबला हश्मते नारे तकबीर नारे रिसालत। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अरे जिसके अपने महबूब के तलवों का मुझे भी धोवन, अपने मैं अपनी तरफ इशारा करूं, आप लोग ये तसव्वुर करें कि ये शेर मैं अपनी जानिब नजर कर रहा हूं। अपने अपने महबूब के तलवों का मुझे भी धोवन, अपने महबूब, अपने महबूब के तलवों का मुझे भी धोवन, तो मजा आ जाए, एक बूंद पिला दे तो मजा आ जाए और नींद आ जाए। नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पढ़ते हुए उन पे दुरूद, अरे नींद आ जाए, अरे नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पे दुरूद, अरे ऐ खुदा से मिला दे तो मजा आ जाए, ऐ खुदा से मिला दे तो मजा आ जाए, झांकी दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए। मैंने हदीस शरीफ पढ़ा था निकाह के हवाले से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोलते सुभान अल्लाह, जो अल्लाह चाहना चाहे वो कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। हाँ, जो अल्लाह चाहना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है, ये कस्बा ही चौकी है, आज यहाँ महफिल सजिए कल कहीं और से सजेगी इंशाल्लाह, मैं चेक करके सुभान अल्लाह। इसलिए जिस जहाँ महफिल सजती है ना, जहाँ महफिल का इनकाम होता है इंदा इंदा ذکر الصالحین تنزل الرحمن, फरमाया गया मेरे हुजूर फरमाते हैं जहां पर सालेहीन का जिक्र होता है वहां पर रहमत के फरिश्तों की आमद होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो ये बहुत बड़ी महफिल है, बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में
हमारी और आपकी आंखें नहीं देखती कि इस महफिल में कौन कौन सी मखलूक आती है, मगर याद रखना मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबीदार नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमत के फरिश्तों की आमद होती है। हजरत मोहतरम हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम कितने मुकद्दर के तेज हैं। अभी हमें और आपको अगर जिन्नात को बुलाना हो तो हम और आप बुला नहीं सकते हैं, अगर किसी शय को बुलाना हो जल्दी बुला नहीं सकते हैं, मगर कुर्बान जाओ आपने रसूलुल्लाह के जिक्र को मुरतब कर लिया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की महफिल को आपने मना लिया सजा लिया, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमत के फरिश्तों की आमद होती है। ऐ मुसलमानों हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम बैठे जरूर रहते हैं, हमारे दरमियान अल्लाह की नूरी मखलूक भी रहती है। निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और ऐ मुसलमानों ये निकाह मेरे मुस्तफा ही की सुन्नत नहीं बल्कि मुस्तफा करीम से पहले जितने भी नबी आए, जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, उन तमाम नबियों की भी ये निकाह सुन्नत है। इस निकाह के पैगाम को आम किया और इरशाद फरमाया मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के गुलामों जब बंदा निकाह कर लेता निकाह ना तो मेरे आका फरमाते मेरे हुजूर फरमाते हैं कि निकाह आधा ईमान है। क्या है निकाह? क्या है? जोर से बोले। अच्छा एक बात और बताऊं, इस निकाह के फजाइल कितने हैं, कमालात कितने हैं, खूबियां कितनी हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, बुजुर्गों ने क्या फरमाया निकाह के हवाले से, अल्लाह अल्लाह सुने, बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह अल्लाह कि जब बंदा गैर शादी शुदा हो, बंदे ने शादी ना किया हो, बंदे ने निकाह ना किया हो, तो बुजुर्गों ने फरमाया अब दो रकात नमाज वो बंदा अदा करे, दो रकात नमाज नफिल पढ़े, दो रकात नमाज नफिल पढ़ेगा तो नफिल का सवाब उसको दो ही रकात का दिया जाएगा, अगर उसने चार रकात पढ़ी तो उसको चार रकात नमाज का सवाब दिया जाएगा। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा करीम के सुन्नत पर, निकाह जैसी अजीम सुन्नत पर, अल्लाह अल्लाह। बुजुर्गों ने फरमाया ऐ बंदे खुदा जब तू निकाह करेगा तो निकाह की बरकत से अगर तूने दो रकात नमाज नफिल अदा करी तो अल्लाह ताला दो के बदले 70 रकात का सवाब अदा करवाता है। अल्लाह दो के बदले कितनी बड़ी बात है। सवाल है, निकाह मामूली समझते हो? निकाह मामूली नहीं है, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। अब आगे आगे चलिए। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा मेरी उम्मत के जो लोग होंगे ना वो निकाह करेंगे तो चार मकसद होंगे, चार मकसद निकाह के उनके अंदर चार मकसद होंगे। लिमाल ही, या तो माल की बुनियाद पर शादी करेंगे, वह हस्ब ही, या तो हसबो नसब की बुनियाद पर शादी करेंगे, वह जमाल ही, या तो हुस्नो जमाल की बुनियाद पर शादी करेंगे। फरमाया वह दीन ही, सुभान अल्लाह, या तो दीनदारी की बुनियाद पर शादी करेंगे। अब सहाबा ने पूछा हुजूर इसका खुलासा फरमा दीजिए, इन चारों मकसदों में सबसे बेहतर मकसद क्या है, सबसे अच्छा कौन सा तरीका है, सबसे अच्छा निकाह का जो मामला है सबसे बेहतर कौन है। अब सुनिए,
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जो मेरा उम्मती मालदारी की बुनियाद पर शादी करेगा, अल्लाह अल्लाह उसकी सोच ये होगी, अगर मैंने मालदार घराने से रिश्ता कायम कर लिया, अगर मैंने मालदार खानदान से अगर रिश्ता कायम कर लिया तो वो माल मेरे हाथ में भी आ जाएगा, अल्लाह अल्लाह मैं भी मालदार बन जाऊंगा, मगर कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा करीम पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जो बंदा माल की बुनियाद पर शादी करेगा अल्लाह ताला उसको फकीर बना डालेगा। अल्लाह 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 उसको क्या बनाएगा? आपने देखा होगा शादी में बहुत कुछ मिला था, शादी के बाद भी हाथ फैला के खड़ा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मोहल्ले वाले पूछते कौन आया, अरे फला साहब फलाने के दामाद हैं। अच्छा सर, यार मैं देख रहा हूँ साल भर से टिका हुआ है, तो ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह उसको फकीर बना देगा, तो फकीर कहते हैं मेहमान का मतलब ये होता है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, कि दो दो साल आदमी निकल रहे, फरमाते कि खाने दाने दाने पर लिखा है, खाने वालों में रहा, मगर नहीं दाने पर भी लिखा है, नहीं बोरे पर भी नहीं लिखा है, अगर बोरा हो तो एक महीने का खत्म हो जाता है, अरे वो कई बोरा रखी थी। तो अब सुनिए, जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अल्लाह उसको फकीर बना दे, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, किसको फकीर बनाएगा अल्लाह, जो मालदारी की बुनियाद पर शादी करेगा। आगे बढ़िए, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, और जो बंदा हसब व नसब की बुनियाद पर शादी करेगा, हसब व नसब की बुनियाद से क्या मतलब, यानी सामने वाला खानदान ये खान साहब है या फला साहब है और मैं नीचे खानदान का हूँ, अब मैंने सोचा अगर मैं खान साहब से शादी कर लूंगा मैं भी ऊंचा हो जाऊंगा, मैं भी बुलंद हो जाऊंगा, मैं भी बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा, मगर आए मुसलमानों इरशाद फरमाते हैं मेरे मुस्तफा करीम, अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे सहाबा, जो बंदा हसब व नसब की बुनियाद पर शादी करेगा अल्लाह ताला उसको जलील जलील बना डालेगा। अल्लाह 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 उसको जलील कर देगा, जलील अल्लाह उसको जलील, हाँ वो जलील हो जाएगा। तो मालदारी भी अच्छी नहीं है, क्यों, मालदारी की बुनियाद पर शादी करेंगे तो माल तो चंद दिन का मसला होता है, जब अल्लाह चाहे ले लें, अल्लाह जब चाहे तब मोहताज बना दे, तो हसब व नसब की बुनियाद पर भी शादी नहीं की गई, क्यों, अल्लाह रुसवा कर देगा। और आपने देखा होगा बहुत सारे मसले मैंने देखे हैं, आपने भी देखा होगा कि अगर हसब व नसब की बुनियाद पर ऊंचे खानदान की बुनियाद पर पत्ता शादी तो कर लेता है, निकाह कर लेता है, मगर आपने देखा होगा वही दामाद जब अपने ससुराल के अंदर जाता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्योंकि अब ऊंचा खानदान है, ऊंचे लोग हैं, उनकी ऊंची सोच है, तो जाहिर सी बात है अपने नौकरों को कहेंगे देखो देखो दामाद साहब आ रहे हैं, देखना उनका ख्याल रखना, खाने पीने की कमी ना होने देना, मगर कुर्बान जाओ अगर वही गरीब आदमी होगा तो अपना सब काम छोड़कर अपने दामाद के करीब लगा रहेगा। अल्लाह उसको रुसवा कर देगा। अब आगे सुनिए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो जमाली मेरे आका फरमाते हैं, और जो हुस्न व जमाल की बुनियाद पर, हुस्न व
जमाल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर जो बंदा शादी करेगा, यानी दुल्हन अच्छी होनी चाहिए, दुल्हन का रंग अच्छा होना चाहिए, उसका ढंग अच्छा होना चाहिए, उसका चेहरा अच्छा होना चाहिए, उसकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, उसके जबान अच्छी होने चाहिए, उसके तमाम आज़ा अच्छे होने चाहिए। तो आओ देखो वह जमाली वह जमाली वह जमाली मेरे मुस्तफा अली कसरा मेरे साथ फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जो बंदा हुस्न व जमाल की बुनियाद पर शादी करता है, खूबसूरती की बुनियाद पर शादी करता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को फितने में गिरफ्तार फरमा दिया करता है। फितने में, आप कहेंगे वो कैसे, आप कहेंगे कैसे, जो बंदा खूबसूरती ऐसा नहीं है, खूबसूरती की बुनियाद पर शादी ऐसा नहीं कि हाँ खूबसूरत लड़की शादी ना की जाए, बिल्कुल करो, ऐसा नहीं कि हाँ खूबसूरत ना हो या खूबसूरत हो तो ना किया जाए, ऐसा नहीं है। मतलब सुनिए, मैंने चार चीजें चार मकसद बयान करी, ये तीसरा मकसद है कि खूबसूरती की बुनियाद पर जो बंदा शादी करेगा अल्लाह उसको फितने में डाल देगा। आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए, बंदा चला गया कमाने बाहर, बंदा चला गया कमाने बंबई, बंदा चला गया कमाने दिल्ली या सऊदी चला गया या बाहर कंट्री में चला गया, अल्लाह अल्लाह अब उस बंदे की बीवी खूबसूरत है, उस बंदे की बीवी अच्छी है, उसकी बीवी बेहतरीन है, उसकी बीवी खूबसूरत है, हसीनो जमील है, तो काम जरूर कर रहा है मगर दिल बीवी में लगा है। कोई मेरी बीवी को झांक ना ले, कोई मेरी बीवी को देख ना ले, कोई मेरी बीवी को ताक ना ले। ऐ लोगों सुनो, सच फरमाया मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने कि जो बंदा सिर्फ हुस्न व जमाल की बुनियाद पर शादी करता है, जो बंदा सिर्फ खूबसूरती की बुनियाद पर शादी करता है, अल्लाह ताला उसको फितने में गिरफ्तार कर देता है। हां करे बंदा अपनी आप ये मकसद तो हो गया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं चौथा एक मकसद है जो सही है, क्या फरमाया है मेरे सहाबा, चौथा जो मकसद है वदीनी और दीनदारी की बुनियाद पर अगर शादी करेगा, अगर मेरा उम्मती दीन की बुनियाद पर शादी करेगा अल्लाह अल्लाह, तो मेरे आका अली का सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जो बंदा दीन की बुनियाद पर शादी करता है, जो बंदा शरीयत की बुनियाद पर शादी करता है, जो बंदा रसूलुल्लाह की शरीयत के एतबार से शादी करता है, मेरे आका अली का सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह ताला उसको गनी बना देगा, अल्लाह उसको क्या बना देगा, अल्लाह उसको गनी करता। सुनिए, एक शादी हो गई, ये तुमने बयान कर दिया, एक शादी हुई कि हजरत खातून ने जन्नत की सुभान, एक शादी हुई कि हजरत मौलाए कायनात की, उस शादी में कितनी सादगी है। आज हम लोगों के घरों में शादियां होती हैं, आज हम लोगों ने अपना रस्म और रवाज चेंज कर लिया, जो दूसरों का तरीका था आज हम मुसलमानों ने उन तरीकों को अख्तियार कर लिया है। मगर ऐ मुसलमानों, मैं आप तमाम हजरात को बताता हुआ चलो, अल्लाह अल्लाह यही मदीना पाक की सरजमीन, मदीना पाक की सरजमीन, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के चहीते सहाबी हजरत सैयदिना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत सैयदिना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे मुस्तफा के पीछे फज्र की नमाज अदा करते हैं, मेरे मुस्तफा मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं, तमाम सहाबा मुस्तफा करीम के इब्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा करीम ने नमाज को मुकम्मल किया, नमाज को मुकम्मल किया, मेरे मुस्तफा के नबूवत वाले हाथ उठे, मेरे मुस्तफा ने तमाम सहाबा के लिए दुआ करी, तमाम मोमिनों के लिए दुआ फरमाई, दुआ फरमाने के बाद अल्लाह अल्लाह अब तमाम सहाबा अपने अपने घरों को वापस जाने लगे, तमाम सहाबा अपने अपने घरों को पलटने लगे। इतने में मेरे मुस्तफा करीम की निगाह हजरत
الرحمن ابن عوف کے کرتے پر پڑ گئی ان کے قمیص پر پڑ گئی قمیص کرتے پر کرتے میں داغ لگا ہوا کیا لگا تھا اللہ اللہ کیا لگا تھا بھائی कुर्ते में दाग लगा हुआ है अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम ने आवाज दिया ऐ अब्दुल रहमान हजरत अब्दुल रहमान ठहर जाते हैं मेरे मुस्तफा करीम के करीब करीब आते हैं मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ अब्दुल रहमान ये तेरे कमीज में किस चीज का दाग लगा है ये तेरे कमीज में किस चीज का दाग लगा हुआ हजरत अब्दुल रहमान ने अपने सर को झुका लिया अल्लाह अल्लाह ऐ मुसलमानों हजरत अब्दुल रहमान कौन बंदा ये वही बंदा है जो मदीना पाक में सबसे ज्यादा अमीर बंदा है सबसे ज्यादा अमीर बंदा अल्लाह अल्लाह यहाँ तक की हजरत उस्मान खनी थे या हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ थे पूरे मदीना में इनसे ज्यादा कोई बंदा अमीर नहीं था या तो हजरत सैयदीना अब्दुल रहमान इब्ने औफ जब पूछा मेरे मुस्तफा ने अब्दुल रहमान तेरे कुर्ते में दाग किस चीज का लगा है अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल रहमान अल्लाह अल्लाह अपने सर को झुका लेते हैं झुका लेते हैं अल्लाह अल्लाह निगाहें झुक जाती है जबान कांप जाते हैं अर्ज करते हैं